कैरिवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जसनौली कला, विकास खंड अगौता, तहसील बुलंदशहर, चौकी नई मंडी, कोतवाली देहात। प्रधान जी सत्य प्रकाश उर्फ लौकी चौधरी भाई साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, और आज यहाँ पर एएसपी मैडम अनुकृति शर्मा बुलंदशहर यहाँ आई, और शांति समिति और सरकार की जो मंशा है, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो मूल मंत्र है जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके साथ साथ जितने भी सीनियर सिटीजन, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं पुलिस के प्रति, वो एक कहीं ना कहीं उनको अपना मित्र समझें, और पुलिस के आला अधिकारी से लेकर नीचे तक अच्छे अधिकारी कहीं ना कहीं वो भी जनता, जो भोली भाली जनता है, किसान परिवार से लोग हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हमेशा अपना उनका महत्व, उनकी अपना त्याग तपस्या समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति, अशोक के लाट के प्रति, संविधान के प्रति कहीं ना कहीं आस्था रखे हुए हैं। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मूल मंत्र के आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जनता का दोस्त मानती है। उसी परिवेक्ष में यहाँ पर आज एएसपी मैडम का आना हुआ, और तमाम बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चों ने में यहाँ पर शिरकत की। प्रधान जी स्वागत है, अभिनंदन है चैनल में। आज एएसपी मैडम आई, और चौकी नई मंडी इंचार्ज और तमाम पुलिस बल और महिलाओं ने, आपने बड़ी उत्सुकता के साथ में, सीनियर सिटीजन महिलाएँ भी रहीं, क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में? मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो, और दूसरा ये था कि मेरे पास फ़ोन आता है मंडी चौकी भारद्वाज, नितेश भारद्वाज जी का, कि जो मैडम आ रही हैं गाँव की नई मंडी प्रभारी, नई मंडी चौकी प्रभारी जी का, कि प्रधान जी कहाँ गाँव में मैडम आ रही हैं, आईपी एएसपी मैडम, एएसपी मैडम, तो मगर जी ठीक है, गाँव में वेलकम है, और बाकी गाँव समाज जो है सब इकट्ठा हुआ, और क्योंकि किसान का काम चल रहा है तो कुछ लोग नहीं आ पाए समय से, और बाकी जो उन्होंने कानून के बारे में और सब कुछ अच्छे से समझाया, और कोई जो है गांव में कोई आपत्ति, कोई घटना ऐसी ना हो, कोई ऐसा व्यवहार पैदा ना करे, शांति भंग हो और कोई ऐसा समाज, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने सबको अवगत करा दिया कि कोई जो है ऐसी कोई घटना ना ही करे। अच्छा, अपना नंबर भी दिया प्रधान जी? हाँ, सभी हम सभी को नंबर देके गई हैं जी, कोई भी घटना होती है, कोई आपको कहीं मदद की आवश्यकता है पुलिस की, तो बिल्कुल तत्पर हैं पुलिस, तत्पर हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था, और सीसीटीवी कैमरे के लिए भी, सीसीटीवी कैमरे के लिए भी कहा है गाँव के लिए, जो है थोड़ा सा जो है उसका जो है विशेष ध्यान रखें। अच्छा प्रधान जी, जो सरकार की भी मंशा यही है, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी मूल मंत्र यही है जीरो टॉलरेंस की नीति, के कहीं ना कहीं जो बेखौफ होकर तमाम ग्रामवासी बिल्कुल निडरता के साथ में, जो निर्दोष हैं उनके साथ में उनको आँच ना आए, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं यकीनी तौर पर बिल्कुल कानून अपने कहीं ना कहीं सर्वोपरि है आज की डेट में, अगर हम देखें तमाम बहन बेटी शहर में भी बेखौफ होकर निकल ली हैं, गाँव में भी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी पूरी कोशिश है उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस की, कि कहीं ना कहीं जो ऐसे बहन बेटियां हैं उनके साथ कहीं गलत ना हो, तो उससे पहले कहीं ना कहीं मूल मंत्र की आज जो शिक्षा दी है, एक कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिव नैरेटिव सेट किया है मैडम ने, तमाम के यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, और कोई दिक्कत हो, एक्सीडेंट का कोई घटना होती है तो वो तत्काल प्रभाव से आप उनकी जान बचाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर, और स्कूल कॉलेज में जो बेटियां जाती हैं उन पर फफ्तियां ना कसें, वो सारे मुद्दों पे मैडम ने बड़ी कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, उसके देखते हुए जो है गाँव में क्राइम ख़त्म है, कोई गलती से क्राइम हो भी जाता है तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, नहीं कोई समझौता होगा, और ये सकता ही है। अब बहन बेटी हमारी कहीं भी बुलंदशहर आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ती हैं कॉलेज में, आती हैं जाती हैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले क्या था कि पहले माहौल खराब था, चौराहे पे लड़के खड़े हैं, फफ्तियाँ खचर को कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उल्टे सीधे सब प्रयोग कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म है गाँव के अंदर, गाँव समाज में बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं प्यार प्रीत से। अच्छा प्रधान जी आज जब मैडम आई हैं तो तमाम यहाँ पे बड़ी उत्सुकता के साथ में, हर्षवर्धन के साथ में महिलाओं के चेहरों पर एक नई मुस्कान थी, कहीं ना कहीं एक जोश था कि एक महिला अधिकारी यहाँ उनके बीच आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गौरवान्वित फील कर रही है, यहाँ पे महसूस कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहली बार हमारे गाँव में
आईपीएस वो जो है महिला अधिकारी पहली बार आई हैं जी गांव में, और गांव के समाज को बहुत अच्छा लगा, महिला बहुत प्रसन्न है, खुश है। और आपने भी आप तमाम महिलाओं के साथ साथ आपने बड़ा योगदान रहा, बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया मैडम का जी। मैं तो बहुत सौभाग्य है कि मेरे गाँव में जो एक बेटी बन के आईपीएस जो आई है, तो उनके लिए तो जो मैं समय चलिए थैंक यू। तो प्यारे बस ये थे प्रधान जी सत्यप्रकाश उर्फ लौकी चौधरी भाई साहब, और बीडीसी वर्तमान डॉक्टर आसवीर सिंह जो कि वर्तमान बीडीसी हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी, क्या कहना चाहेंगे आज के? आप सबसे पहले कोटि कोटि बधाई आप दोनों को, प्रधान जी को और आपको, तमाम दर्शकों और चैनल की ओर से, तमाम व्यूअर्स की ओर से, कि आज के भव्य स्वागत किया आपने भव्य समारोह के अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आधारशिला रखी आज के इस प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया और सुंदर रहा। जो आईपीएस अधिकारी हैं अनुकृत शर्मा, बहुत ही बहादुर और काम वाली, एक तरह रानी लक्ष्मीबाई तरह उन्होंने वो काम कर दिया हमारे जिले के अंदर जो किसी आईपीएस ने आज तक नहीं करा। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, डेड ऑनेस्ट भी हैं जी, बहन बेटी सुरक्षित हैं, और बदमाश तो दूर दूर भाग गए हैं, जिला छोड़ गए हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हम उनसे प्रसन्न हैं, आगे भी ऐसे कार्य हो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट। जिस तरीके से इससे पहले भी हमने बताया प्यारे वर्ष के योगी जी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र और दिया है, एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है, कि ऐसे अधिकारी हर डिपार्टमेंट में जो जनता की डायरेक्ट जनता के द्वार पर गांव-गांव जाकर झोंपड़ी में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की भी सुनवाई करने के, उनकी सुध लेने के लिए मान कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका उनको प्रमोशन दिया जाएगा। और तो प्यारे वर्ष कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी की मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं एएसपी मैडम अनुकृति शर्मा मैडम यहां पर, और कहीं ना कहीं जनता के द्वार स्वयं जा रही हैं गांव-गांव झोंपड़ी-झोंपड़ी बेटियों से मिलकर, सीनियर सिटीजन महिलाओं से मिलकर कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस को मित्र बताकर और कहीं ना कहीं उनके साथ उनके मन की बात शेयर कर कहीं ना कहीं कानून की बालादस्ती करने में कामयाब हो रही हैं। और दूसरी तरफ सर समाज की जनता के अंदर बड़ी लोकप्रिय हो रही हैं, और अपनी त्याग तपस्या से, बहुत अपनी ईमानदारी से सबके दिलजोई करने में और कानून की गरिमा और अपने पद की गरिमा को कायम बनाने में लगातार सफल बनी हुई हैं। ये था आज का अपडेट प्यारे वर्ष जसनावली कला से। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।